सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्ते फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक स्टेरॉयड क्रीम के बारे में, जिससे हम इसके मूल कंपोजिशन नेम बेटा मेथासोन के नाम से जानते हैं। वैसे यह जो बेटा मेथासोन है, यह आपको टेबलेट फॉर्मेट, इंजेक्शन फॉर्मेट, साथ ही साथ आई और ईयर ड्रॉप फॉर्मेट एवं सिरप फॉर्मेट में भी मिल जाती है। तो इससे पहले हमने टेबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म एवं सिरप फॉर्म के बारे में वीडियो बना रखा है, जो कि अलग अलग प्रकार से आपका यूज में लिया जाता है। तो यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेटा मेथासोन क्रीम के बारे में ही सीख रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह जो बेटा मेथासोन क्रीम है, यह कमनली आपको 0.1% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में क्रीम फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। वैसे तो बेटा मेथासोन आपका दवा का मूल एवं कंपोजिशन नेम है, और यह अपने मूल कंपोजिशन नेम बेटा मेथासोन से ही पॉपुलर है। बट इसके अलावा इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स भी आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आपका बेटनोवेट क्रीम, बेटा डीप क्रीम एवं वर्सोन क्रीम है। तो ये तीन इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं, बट आप इजली इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम वेटनोवेट के नाम से याद भी रख सकते हैं। तो अगर हम इस वेटनोवेट क्रीम के यूजेज की ओर चलते हैं विस्तार से, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको एलर्जी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिनके बॉडी पे किसी भी टाइप का एलर्जी सिम्टम्स देखा जा रहा हो, जिसमें व्यक्ति को रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन ये सब हो रहा हो, तो वहाँ पे डॉक्टर द्वारा यह बेटनोवेट क्रीम प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेशेंट के ऊपर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एलर्जी कंडीशंस का जो मुख्य कारण हो सकता है व्यक्ति के बॉडी पे, यदि किसी छोटे कीड़े ने काट लिया हो, या फिर व्यक्ति को पौधों से एलर्जी हो, किसी पार्टिकुलर फूड से एलर्जी हो गया हो, या फिर व्यक्ति को पार्टिकुलर कलर से एलर्जिक हो गया हो, और उन सारे कंडीशंस में व्यक्ति के बॉडी पे मतलब एलर्जिक रिएक्शंस देख रहा हो, तो उस एलर्जी रिएक्शंस के ट्रीटमेंट में डॉक्टर द्वारा यह वेटनोवेट क्रीम प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिनके स्किन पे किसी प्रकार का डिसऑर्डर हो गया हो, मतलब कोई स्किन डिसऑर्डर की समस्या हो, तो उसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा यह स्टेरॉयड क्रीम प्रयोग में दिया जाता है। साथ ही साथ कई बार लोग इसका प्रयोग ओटीसी के रूप में आपको फेयरनेस क्रीम की जगह पे करते हैं, तो मैं आपको यह बता दूं कि यह जो वेटनोवेट क्रीम है, यह फेयरनेस क्रीम नहीं है, यह एक स्टेरॉयड क्रीम है। और जब व्यक्ति इसे फेयरनेस क्रीम की जगह पे यूज करता है, तो यह जो स्टेरॉयड है, यह स्किन के जो लेयर हैं उसको पतला करते चला जाता है, जिस वजह से जो व्यक्ति के चेहरे में थोड़े बहुत निखार तो आने लगते हैं, तो और व्यक्ति अगर लंबे समय तक इसका प्रयोग करता जाता है तो उसके बॉडी पे और भी ज़्यादा गहरा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इस बेटनोवेट क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को लगाए गए स्थान पे रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, इरिटेशन हो सकता है, व्यक्ति के बोन की डेंसिटी घट सकती है, और साथ साथ व्यक्ति का स्किन बहुत ही ज़्यादा पतला हो सकता है, जिस वजह से इजिली कहीं से भी उसका स्किन फट सकता है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, बट हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले, तो आप फर्दर इस बेटनोवेट क्रीम का प्रयोग लेना बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जो डॉक्टर है वह जल्द से जल्द आपको कोई अच्छी से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इस बेटनोवेट क्रीम के डोज के बारे में और हाउ टू अप्लाई के बारे में। तो डोज में तो आप इसका प्रयोग एक सफिशियंट अमाउंट में ही करें, कभी भी ओवर डोज या बहुत ही ज़्यादा इस क्रीम का प्रयोग ना करें। और अगर हम लगाने के तरीके की बात करते हैं, तो आप इजिली इसे नाइट क्रीम के रूप में प्रयोग मिले तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप जो भी आपका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर आप इजिली वॉश कर लें, और साफ टॉवल से क्लीन करने के बाद ही इस क्रीम प्रयोग करें। ऐसा आप दिन में दो बार या जरूरत पड़ने पे तीन बार में भी आप कर सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इजीली आप इसे तीन दिन, चार दिन या फिर वन वीक तक प्रयोग में लेते हैं, तो जो आपकी समस्या है वह जल्द से जल्द
ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है इस वेटनोवेट क्रीम के बारे में, मतलब बेटा मेथासोन क्रीम के बारे में, जो कि आपका टॉपिकल यूज के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।